ये वैश्विक महामारी कोविड-19 जैसे ही थोड़ा कम हुआ तो उसका दूसरा प्रकार ओमिक्रॉन बढ़ने लग गया है और यह सबके लिए खतरा है। इसलिए आज हमने विशेष पूजन अर्चन किया है, वैदिक मंत्रों का पाठ किया है और वेद में उन ऋचाओं का मैंने पारायण किया है जिससे दैवी आपदाएं जो है समाप्त हो जाती हैं। और साथ ही साथ में विशेष पूजा पाठ करने के बाद में, वेद मंत्रों का पाठ करने के बाद में, मंत्रोच्चार करने के बाद में हमने जो है तो लोगों को मास्क भी वितरित किया, क्योंकि सावधानी और साधना दोनों जरूरी है। हम सतर्कता भी बरतें और उसके लिए जो हो सकता है बचने के लिए वो उपाय भी करें। तो जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, हमारी जो प्राचीन पद्धति है, वैदिक पद्धति है, कि जो वेद की ऋचाएं हैं, दुनिया जानती है कि वैदिक संस्कृति जो है आज दुनिया जहां भी पहुंची है उसमें वैदिक संस्कृति के कारण पहुंची है, तो उसमें कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसके कारण जो है तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो ओमिक्रॉन को समाप्त करने के लिए आज विशेष मंत्रों का हमने पारायण भी किया है और मास्क भी बांटा है। और अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि सावधानी जरूर बरतें, थोड़ा दूरी बना के रखें, सावधानी नितांत आवश्यक है, सावधानी बरतिए और स्वच्छता का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ में ये आवश्यक है कि जैसे ये बहुत जरूरी है, दवा के साथ साथ में मास्क, दो गज की जो दूरी और मास्क बहुत जरूरी है। आज मैंने वितरण किया और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि बहुत जरूरी है, इसको आप लोग लगाइए, इससे जो है अपने जान को बचाइए और दूसरों को भी बचाइए, क्योंकि यह जो बीमारी है यह जब किसी को होती है तो उससे दूसरों को भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आप सुरक्षित रहेंगे, आप सबका जीवन बहुत अनमोल है और हमारे हम सबके लिए हर व्यक्ति का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप देश के भविष्य हैं, आप स्वयं बचिए, अपने परिवार को, बच्चों को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, राष्ट्र को बचाइए, सबको बचाइए। जय श्री।